अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक, जिसमें वेटेज कुछ इस तरह है। ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का आएगा, 2 मार्क का एक सम और थियरी जो आ सकता है, और 3 मार्क का एक कन्फर्म सम आएगा, जो मिला के टोटल हो जाएंगे 6 मार्क। सबसे पहले मैं थोड़ा का आपको 9th का रिवाइज़ करता हूँ, क्योंकि हमने ये जो कर रहा है वो क्लास 10 का है, तो ऑब्वियसली आपको 9th में ये चैप्टर आ रहा है आखिर में, तो आपको थोड़ा तो आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें क्या स्टार्ट करना है, तो आपको पहले ये क्लास का बेसिक समझना है, जो आपको याद नहीं है तो रिवाइज हो जाएगा। जैसे समझ लो ये क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। आप बोलोगे सर इसमें क्या है, तो इसमें इन्फॉर्मेशन आप बोलोगे सर इसमें दो लिमिट होती है, इसको बोलोगे आप अपर लिमिट और इसमें बोलोगे लोअर लिमिट। ये समझना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड क्लास में भी सेम, अपर लिमिट रहेगा 20, लोअर लिमिट रहेगा 10। थर्ड क्लास में हमारा जो होगा वो होगा अपर लिमिट हमारी 30 और लोअर लिमिट होगी 20। सेम वे फोर्थ क्लास में 40 अपर लिमिट होगी और लोअर लिमिट होगी 30। जैसे ये पॉइंट ख़त्म होता है तो उसके बाद हमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना पड़ता है वो हम लिखते हैं क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय टू। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सब आप लिखते जाना, क्योंकि बाकी सब स्टूडेंट ने ये पॉइंट ऑलरेडी लिख दिया है, तो आपके लिए थोड़ा क्या है कि आप प्रॉपर लिख लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, इसलिए लिखते ही जाना। तो आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, तो अभी हम एक सम करते हैं जिसमें यही पॉइंट पर फोकस करना है हमें। सम 1 जिसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह है, तो आप बोलोगे पहला लिखते हैं 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200। तो हमें क्लास मार्क ढूंढना है, आपको क्वेश्चन में लिखना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द क्लास मार्क। इसमें क्लास मार्क कैसे आएगा वो हम लिखते हैं, तो आप बोलोगे सर 0 + 50 डिवाइड बाय 2, तो 50 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 25। सेम वे यहाँ करेंगे 50 + 100 डिवाइड बाय 2, तो 150 डिवाइड बाय 2 तो होगा 75। सेम वे आगे 100 + 250, 100 + 150 डिवाइड बाय 2, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 250, तो होगा 125। सेम वे यहाँ एक ज़ीरो ज़्यादा लिख दिया है, तो आप बोलोगे सर 150 + 200, 350 है तो आपको आएगा 150 और उसमें 25, 175। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो अभी हम सम नंबर 2 करते हैं। पहले ये आप कॉपी कर लीजिए और उसके बाद आप सम नंबर 2 स्टार्ट कीजिए। तो सम नंबर 2 कुछ इस तरह है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 50, 50 to 60। इसका क्लास मार्क आप लेक्चर में दिखा देना तो आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। दूसरा मैं सम लिख रहा हूँ सेम वे, ये क्लास है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400। ये हुआ हमारा बेसिक कंसेप्ट। अभी हम थोड़ा मेन पॉइंट पे चलते हैं, तो आपको क्या बोलना है क्या लिखना है वो समझते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट, अरिथमेटिकल मीन और एवरेज। इसके तीन नाम है, तीनों में मिनी एक ही होता है कि आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन की फॉर्मूला क्या होगी,
तो मीन की फॉर्मूला बहुत सिंपल है। तो आप बोलोगे मीन को बोलेंगे पहले तो एक्स बार वो क्लियर करना है, वो आपको एक्स बार बोलना है। सेम वे मीन की फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये ई लिखा है ना, इसको ई नहीं बोलना है, कई बच्चे उसको ई बोलते हैं, ई नहीं लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी है सिग्मा इज इक्वल टू। सिग्मा का मतलब इसको हम सिंबल को बोलेंगे सिग्मा, क्या बोलेंगे सिग्मा। और एफ आई जो है वो आपको ध्यान रखना है, एफ आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो आपको कंसिडर करना है। अभी मैं एक सम लिख रहा हूँ, हम वो स्टार्ट करेंगे जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है। आपको लिखना है ऊपर हेडिंग लगा दो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द मीन। इन्फॉर्मेशन एक्स आई दी हुई है 10, 30, 50, 70 और 80। एफ आई दिया हुआ है तो आप बोलोगे सर क्या दिया हुआ है, तो 7, 8, 10, 15, 10। जैसे ही होगा तो एफ आई एक्स आई हम करना शुरू करेंगे। उससे पहले हम एफ आई का टोटल करेंगे। एफ आई का टोटल आ रहा है 5050। सेम वे हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई। तो आप बोलोगे सर किसको किससे साथ, एक्स आई को एफ आई के साथ, तो बहुत सिंपली हो जाएगा कितना 70। बाद में बोलोगे आप 30 × 8 = 240, 10 × 50 कितना होगा 500। बाद में बोलोगे सर 15 × 7 = 105 और एक ज़ीरो ऐड कर दो तो 1050। और यहाँ पे एक 9, थोड़ा लिखने में गलती हुई है, यहाँ पे 9 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे सर कितना आएगा, तो बहुत सिंपल है 890। इसका टोटल करना है तो आप टोटल करो, चलो आपको टाइम दिया 15 सेकंड का, क्योंकि ये वीडियो है इसलिए लाइव लेक्चर में ऐसा नहीं होगा, लाइव लेक्चर में एकदम प्रॉपर टाइम मिलेगा आपको। लेकिन ये क्या है, आपका एक लेक्चर चला गया है, तो एक नहीं दो लेक्चर, तो उसकी वजह से थोड़ा ये मैं आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। तो यहाँ आप लिख रहा है 2750, तो यहाँ भी हमारे पास इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक्स बार में जो चाहिए वो हमारे पास आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो आप बोलोगे सर लिखो 2750/50। जैसे आप लिखोगे तो आ गया हमारा मीन एवरेज या अरिथमेटिकल मीन जो भी बोलो, 55 हमारा सम का आंसर आ गया। जैसे ये कंप्लीट होता है, ये नॉर्मल था जिसमें क्लास नहीं दिए हुए थे, अभी मैं वैसा सम करवा रहा हूँ जिसमें क्लास दिए हो। तो क्लास दिए हो तो फोकस क्या करना होगा वो आपको ध्यान रखना है। तो एक बार आप पहले शांति से ये पूरा लिख लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ना। तो हम आगे चलते हैं अभी, क्या पॉज कर दीजिए टेम्पररी। अभी सम नंबर टू, तो सम नंबर टू में हमें दिया होगा क्लास इंटरवल कुछ इस तरह है। तो हम लिखते हैं क्लास 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन में और भी डेटा गिवन है, जो है हमारा एफ आई। एफ आई है 2, 3, 7, 6, 6 और 6। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, तो आप बोलोगे सर टोटल सबसे पहले आप लिख दो, टोटल लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 30, कैसे कि ये 3 का टोटल करोगे 18, ये 10 = 28 और उसमें 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 30। जैसे ये कंप्लीट होता है, अभी हमें एक्स आई नहीं दी हुई है, तो आप बोलोगे सर अभी आप फाइंड आउट कर सकते हो कैसे, क्लास मार्क से। क्लास मार्क में क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। तो इसमें कैसा रहेगा, 10 + 25/2, 35/2 इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर आएगा 17.5। सेम वे यहाँ लिखा 25 + 40/2, तो आप बोलोगे सर 65/2, तो हमारा हो जाएगा
32.5, सेम वे 40 + 45 डिवाइड बाय 2, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 47.5। आप बाकी क्या आप करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 47, बाद में आएगा 62.5, बाद में आएगा 77.5 और उसके बाद में आएगा 92.5। तो आप बोलोगे सर अभी आप देखोगे ना तो एक्स आई भी मिल गया, एफ आई भी मिल गया, तो हम डायरेक्टली सीधा हम एफ आई एक्स आई कर सकते हैं। एफ आई एक्स आई करते तो हमें मल्टीप्लाई करना है 17.5 × 2, तो आप बोलोगे सर 35, 32.5 × 3, तो आप बोलोगे 97.5। सेम वे नीचे लिखते हैं 47.5 × 7 करते हैं तो कितना होगा 332.5। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा ही, लेकिन आपको अपना टाइम लेना है, आप जल्दी मत करना, इसमें आपका कन्फ्यूजन होने के पूरे चांस है। तो आप शांति से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप लिख के मल्टीप्लाई करके करना। अभी आप बोलोगे सर 62.5 × 6 तो होगा 337.5, बाद में होगा 77.5 × 6 करेंगे तो हो जाएगा 465, और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 92.5 × 6, तो आपका हो जाएगा 555। जैसे ये ख़त्म होगा तो आपको लिखना पड़ेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई आप बोलोगे सर कितना आएगा, तो टोटल करोगे तो आ जाएगा 1860। 1860 जैसे आता है तो आपका बेसिक फार्मूला का स्ट्रक्चर रेडी हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई और अपॉन एफ आई वो दोनों आ गया। तो 1860 डिवाइड बाई 30, डिवाइड बाई 30 करोगे तो कितना आएगा 62, आपका फाइनल आंसर आ गया। अभी आपको मैं दो सम लिख रहा हूँ वो आपको कैलकुलेट करना है। एक्चुअली ऐसा है आज सेकेंड मेथड स्टार्ट होने वाली है तो आप उसके लिए रेडी रहना। तो अभी मैं आपको दूसरे दो सम लिख रहा हूँ वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, मतलब कैलकुलेट कर दीजिए। बाकी के दो तीन सम मैं लेक्चर में ही आपको करवाऊँगा तो आपको इश्यू नहीं आएगा, क्लियर हो जाएगा। एक्स्ट्रा नंबर एक्स्ट्रा सम है सम नंबर 1। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया क्या है तो आप बोलोगे सर क्लासेस 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इतना दिया हुआ है। एफ आई कुछ इस तरह है 7, 10, 15, 8, 10। आपको इसका आंसर लाना है और लेक्चर में मुझे डिस्कस करना, तो मैं आपको बोल दूंगा। और बाकी सब बच्चों जो देख रहे हैं ये वीडियो, ये आप करोगे क्या, आपको कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखने हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्लास और क्लास, अभी दूसरा सम तो उसमें आएगा 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, यहाँ हो जाएगा एफ आई। तो यहाँ पे लिखेंगे 6, 10, 8, 12, 4। आपको बस ये दो सम करने हैं, उसके बाकी के सम हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं लेक्चर में।